फ्रेंड्स, विवक क्रिएटिविटी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको इन बॉटल्स से खूबसूरत से पॉट बनाने सिखाऊंगी बिरला पुट्टी की हेल्प से। तो चलिए पहले हम पुट्टी का डो तैयार करते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा बिरला पुट्टी लेके उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके इसका डो तैयार कर लेते हैं। इस टाइप से देखिए हमारा पुट्टी का डो रेडी हो गया है। इस तरह से स्मूथ बनाना है हमें। अब हम थोड़ा सा पाउडर डाल के पुट्टी का थोड़ा सा डो लेके इसको बेलन की हेल्प से बेलेंगे और इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी को इस पर लगाते जाएंगे। इस तरह से हम पूरे पॉट को कवर कर लेंगे और स्मूथ करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे। अब देखिए मैंने पूरे पॉट को पुट्टी से कवर, इसको स्मूथ करने के लिए इस तरह पानी का यूज़ करते हैं। हल्के हल्के करके इसको स्मूथ कर लेते हैं। अब इस पर मैं ये शेल लगाऊंगी। अब देखिए मैंने इस पे एप्रिकॉट शेल से फ्लावर बना दिया है। लीव्स हम इसकी बाद में पेंट से ही बना देंगे। अब हम इसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट डीआईवाई में मैं ये एम्प्टी ग्लास बॉटल का यूज़ करूँगी। जो हमारी पेंट की बॉटल्स एम्प्टी हो जाती हैं उसके लिए उसका यूज़ करूँगी। और ये ग्लू की बॉटल है। चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये सिल्वर फॉइल, सबसे पहले इस बॉटल को से कवर कर लेते हैं। बिरला पुट्टी का डो जो मैंने अभी अपने पॉट के लिए यूज़ किया था वही बचा हुआ है, उसी का यूज़ कर रही हूँ मैं। इससे हम पूरी बॉटल को कवर कर लेंगे। अब देखिए हमने बॉटल को कवर कर लिया, चारों तरफ से पुट्टी से कवर कर लिया। इस टाइप से हमें दो बॉटल रेडी करनी है। अब हमें सिल्वर फॉइल का यूज़ करके इस तरह से इसको रोल करना है और इसको इसके ऊपर लगा देंगे। इसके अंदर हम एक पाइप को भी अटैच कर देंगे। पाइप के ऊपर इसको सेट कर देंगे, वायर इसके अंदर डाल देंगे पूरा। इस टाइप से हमें इसके हेड की शेप देनी है। हम एक वायर को सिल्वर फॉइल के अंदर रैप कर देंगे। इस टाइप से अच्छे से रैप करके इसको इसमें इंसर्ट करेंगे। और इसके ऊपर हम पुट्टी का डो बना के उसको बेल लेंगे पहले। इसमें हम थोड़ा सा पाउडर डालेंगे और फिर उसको अच्छे से बोल के पतली सी चपाती बना लेंगे। अब देखिए हमारा ये स्टैचू बनकर रेडी है। और ये दोनों छोटे छोटे तबले, अब हमें इस पर कलर करना है। चलिए अब हम इस पर कलर करना स्टार्ट करते हैं। इस पर कलर करने के लिए मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसके ऊपर के पोर्शन पे वाइट कलर कर देते हैं। अब मैंने ये तबलों के ऊपर के पोर्शन पे वाइट कलर कर दिया है। अब हम स्टैचू का इसका ऊपर के पार्ट को कलर करते हैं। इसका फेस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर में डिप करके और इसको स्किन कलर बना दिया है।
ऑरेंज कलर बहुत थोड़ा सा ही लेना है, अदरवाइज ये कलर डार्क हो जाएगा। स्टेप से थोड़ा सा हम इसके हाथों पे भी कर देंगे। हाफ हैंड्स पे और फेस पे स्किन कलर कर दिया है, अब बाकी बॉडी पे हम ब्लैक कलर करेंगे। ब्लैक कलर से हम इसकी ड्रेस बनाएंगे। इसके टॉप पार्ट में मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ। कैप पर भी ब्लैक कलर कर लेंगे। अब देखिए मैंने सेंटर में वाइट और बाकी सारे कपड़े को ब्लैक कलर से कलर कर लिया है। अब इसके सेंटर में हम यहाँ पे इसमें शाही लगी होती है उसको भी ब्लैक कलर का कर देते हैं। अब हम इसकी डिटेल्स बनाने के लिए इस टाइप से इसमें ज़िगज़ैग डिज़ाइन बनाते हैं। इसमें डोरी लगी होती है ना, डोरी की शेप देने के लिए हम इस टाइप से वी। देखिए अब मैंने सब साइड में ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, इससे हमारा डोरी का इफ़ेक्ट आएगा। अब डोरी को साइड में गांठें लगी होती हैं उसके लिए इस टाइप से हम स्लैंटिंग में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे डैश टाइप बना लेंगे जहाँ पे इनका जॉइंट है। अभी हमारा तबला बनकर रेडी हो गया है। देखिए लग रहे हैं ना एकदम नेचुरल छोटे छोटे तबले। अब हम इस स्टैचू की डिटेल्स कंप्लीट करते हैं। पहले हम इस स्टैचू की आईज बनाने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं। इस स्टेप से हम इसकी आईज बना लेंगे। आईब्रो नोज और इसकी बड़ी बड़ी मूंछें। देखिए हमारा ये स्टैचू भी बनकर रेडी है और इसके दोनों ड्रम भी। इसको हम इसको इस पर ऐसे बिठा देंगे जैसे ये ड्रम बजा रहा हो, और इसको ग्लू गन की हेल्प से ट्रे में या किसी भी चीज़ पे हम इसको चिपका देंगे। इस पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इस पर कलर कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। आप किसी भी और ऑब्जेक्ट पे, किसी प्लाईवुड पे, किसी भी चीज़ पे इस पर इसको स्टिक कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे DIY की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड DIY में मैं अब स्पॉट को कलर करूंगी। ये पूरी तरह से सूख चुका है, इस पर भी मैं सेम यही ब्लैक कलर फैब्रिकिल का यूज़ करूंगी। देखिए मैंने इस पूरे पॉट पे ब्लैक एक्रेलिक कलर से कलर कर लिया है। अब हम इस एप्रिकॉट शेल पे गोल्डन मेटेलिक कलर से कलर कर देंगे। मैंने सारी एप्रिकॉट शेल पे गोल्डन कलर कर लिया है। अब हम इस ब्रश की हेल्प से इसकी लीव्स बनाते हैं।
इस टाइप से लीव्स की पैटर्न ड्रॉ करके और उसमें शेडिंग दे देंगे। तीन तीन का सेट बना देंगे, दो तीन साइड। अब देखिए मैंने चार जगह तीन तीन का सेट लीव्स का बना दिया, तीन सेट इस साइड, तीन ऊपर के साइड, तीन ये साइड पे, तीन ये साइड पे। अब हम इस पर कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दूर पे इस टाइप से शेडिंग कर देंगे, वरना ये पूरा पॉट ब्लैंक लगेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, इससे एक अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। अब देखिए मेरा पॉट बनकर रेडी हो गया है। इसमें मैंने चारों साइड्स में इस टाइप से डिज़ाइन सेल्फ का बना दिया रैंडमली थोड़ी थोड़ी दूर पे। और बाकी ये देखिए आपको कैसा लगा, मैंने तो इसमें मनी प्लांट लगाया है, आप चाहें तो इसमें कोई आर्टिफिशियल प्लांट भी लगा सकते हैं या जो आपकी इच्छा हो, या इसको एज ए डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा DIY मेरा, ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे आगे कुछ और अच्छा करने की इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।